अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बेसन वाली रोटी। बादल बनाओ वे, हल्की हल्की कण मण लगी है, बादल गरज रहे हैं। तो आज वो मिस्सी रोटी का मौसम बना हुआ है, तो हमने सोचा कि उन्हें पहले हम आज मिस्सी रोटियों ही बनाए। इसमें लाए पहले हमने ये आटा छान लेंगे। ये डब्बा लिया पूरा भरा हुआ नहीं है, ये घर वाला आटा है जो हम रोज पकाते हैं वो है। इसे अच्छी तरह छान लेंगे। एक डब्बा ही हम बेसन का लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आटा लिया है उतना ही बेसन भी लेंगे। इसे भी अच्छी तरह छान लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये दो बड़े साइज के प्याज काटे हैं, बहुत बारीक बारीक काटे हैं। अगर ये मोटा होगा ना तो रोटी जो है फट जाएगी। बहुत बारीक प्याज हमने छिलका तार के पहले वाश कर लिए थे, बाद में इसे कटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ किया। ये हमने सब्ज मिर्ची भी काट ली है। ये धनिया पाउडर है 2 चम्मच, तो 1 चम्मच अभी नमक लिया है। बाकी इसे चेक करके जो ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे, ना हुई तो फिर यही काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ी सी गाजर का पीस कद्दूकश कर लिया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये ग्रीन ग्रीन है ना मिर्चें हैं, तो ये औरज वैसे रोटियों में अच्छा लगेगा खूबसूरती के लिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये खूबसूरती के लिए मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले। आटा हम का ने गूंद लिया। ये लो इसे अब हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, तब तक ये रोटियां पकाने के लिए तैयार हो जाएगा। ताज़े ताज़े आटे की ना रोटी सही नहीं बनती। अब हम इसे पौना दे के ऐसे ढक के रख देंगे। आधे घंटे के बाद फिर मिलते हैं जब रोटियां तैयार करेंगे। आटा माशाल्लाह देखा बड़ा प्यारा हो गया तैयार, पेड़ा करने वाला। घी लगाएंगे ऐसे इसके अंदर, पेड़ा करते हैं तैयार। सब पेड़े बाकी भी ऐसे ही करके रख लेंगे पहले। रख देंगे तवा और इसके ऊपर लगा देंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पराठे हम ऐसे ही तैयार करेंगे। जी माशाल्लाह
रोटी हमने डाल दिया, पराठा ऊपर डाल दिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इतने मज़े का माशाल्लाह पराठा हो गया ना तैयार। हाँ जी, अब हम रख देते हैं इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह साढ़े बेसन वाले पराठे हो गए हैं तैयार। अब हम नाश्ता करने लगे हैं। ये साथ में दही लिया, साथ में लस्सी ली है, तो ये गर्मा गर्म पराठे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो खाते हैं, इतने मज़े के, इतने करारे हैं ना कि यकीन करो देख के मुंह में पानी आ जाए। आप लोग भी बारिश में ज़रूर ट्राई करना, साथ में दही और लस्सी, तो ये बेसन वाले पराठे, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। जब भी बारिश आएगी आपका पहले पराठे खाने को दिल करेगा बेसन वाले। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।